caught in the crossfire. नमस्कार दोस्तों, मानव क्लासेस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं ट्रिपल सी वीडियो पार्ट टू, जिसमें चैप्टर नंबर सेकंड इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले हमारी फर्स्ट वीडियो आई थी, जिसमें हमने ट्रिपल सी वीडियो पार्ट वन में चैप्टर नंबर वन कराया था, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अगर आप हमारी पहली वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेजा है, आप उससे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। आज हम बताएंगे आपको चैप्टर नंबर सेकंड इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर सेकंड। चैप्टर नंबर सेकंड इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सेट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में डाला जाता है। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे है क्या चीज। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को चलाने लायक बनाता है, यानी कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप उसे चला नहीं सकते। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक सेट है। क्लियर हुआ आपको? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स ऑन अ कंप्यूटर। एक ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर पर चलता है। इट मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस एंड प्रोसेस। इट प्रोवाइडेड कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। यह कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, यानी कि कोई भी डिवाइस वगैरह जैसे प्रिंटर वगैरह, और भी कई सारे प्रोसेस हैं जिसका प्रबंधन करता है, यानी कि मैनेजमेंट करता है। यानी कि ये चलाने लायक बनाता है सॉफ्टवेयर की रिसोर्सेज को, हार्डवेयर को, और उसके मैनेजमेंट को ये देखता है। कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप हार्डवेयर को नहीं चला सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें एक ये आपको इमेज दिख रही होगी, जिसमें ह्यूमन यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन यूजर और हार्डवेयर के बीच, तो इन दोनों के बीच में जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई दे रहा है। यानी कि एक यूजर, यानी कि हम लोग हार्डवेयर को जो चलाते हैं, जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए उनको चलाते हैं, तो उनको चलाने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यानी कि यूजर क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या चलाएगा वो, तो उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। जैसे एमएस ऑफिस हो गया, या फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, ये सभी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आप जब भी किसी ऐप को चलाते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, आपको ये दिखाई दे रहा होगा अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर। अदर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर की बीच की कड़ी है। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज, और हार्डवेयर यानी कि सिस्टम के पार्ट्स आपके, तो इन दोनों के बीच की कम्युनिकेशन, यानी कि ये एंटीवायरस है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को बचाते हैं। जैसे आपने कई सारे एंटीवायरस देखे होंगे, उसके अलावा आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपका ये मान के चलिए कोई भी क्लीनर हो गया, जैसे मोबाइल वगैरह में आप लोग यूज करते हैं, सेम इसी की तरह। नेक्स्ट है आपका बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं? जैसे फर्स्ट है इसका प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट एक तरह का प्रोग्राम है जो शेड्यूलिंग और जो भी इसकी प्रक्रियाएं हैं उसकी समाप्ति यानी डेडलॉक तक कार्य करता है। यानी कि प्रोसेस मैनेजमेंट आपको, जैसे मान लो आप विंडोज के बारे में अगर हम बात करें, सिस्टम को आप स्टार्ट करते हैं, सिस्टम को स्टार्ट करना और एंड करना, ये सारा प्रोसेस आपका प्रोसेस मैनेजमेंट देखता है। नेक्स्ट, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है? इसमें जो भी आप
वर्क करते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्मेंस होता है, तो इसको जो डीएलोकेट कर देता है, इसकी मेमोरी को क्या करता है, वो डीएलोकेट कर देता है, उसको बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट, कि आगे क्या करना है इसमें। एक ऑर्डर मतलब पहले से एक प्रोग्राम, मतलब मल्टी प्रोग्राम होते हैं इसमें, जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि इसमें क्या प्रोसेस होना चाहिए। नेक्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें जैसे मान लो आपने मोबाइल में या फिर सिस्टम में कोई भी फोटो या इमेजेस या ऑडियो वीडियो फाइल होती है, आपने देखा होगा, आप जो भी वीडियो अगर बनाते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट वीडियो वाले फोल्डर में चली जाती है, या इमेजेस होती हैं वो आपकी इमेजेस वाले फोल्डर में चली जाती हैं। जो कौन डिसाइड करता है, ये फाइल मैनेजमेंट डिसाइड करता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में पासवर्ड वगैरह डालना, ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन हो गया। नेक्स्ट इज एरर डिटेक्टिंग एड। एरर डिटेक्टिंग एड हो गया आपका, जो इसमें एरर आते हैं उसका पता लगाने में सहायक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये भी एक तरह का बेसिक फंक्शन है। अब पता कैसे करेगा इसमें, जैसे मान लीजिए आप किसी सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं और आप उस पर क्लिक कर रहे हैं और कोई वर्क नहीं हो रहा, तो उसमें एरर शो हो जाता है साइट से, क्लियर। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूजर। अगर हम बात करें कि दूसरे जो सॉफ्टवेयर है और यूजर के बीच में समन्वय स्थापित करना, ये भी बेसिक फंक्शन है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स बताएंगे, जैसे फर्स्ट टाइप है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है इस प्रकार, ये एक तरह का ओएस है, ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एंड यूजर और कंप्यूटर के बीच कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी एंड यूजर और कंप्यूटर के बीच में कोई भी डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है। किसी भी इनपुट डेटा को कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए उपयोगकर्ता को एक जॉब की फॉर्म में तैयार करना होता है। ये सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे, उसमें पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था स्टार्टिंग का। नेक्स्ट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है, उसके बाद यूजर उसे कनेक्ट करता है टाइम शेयरिंग से, और एक जैसे मान लो 2 सेकंड या 5 सेकंड के बाद वो अपने आप ही डिसकनेक्ट हो जाता है। जैसे मान लो आप बैंक के ऐप देखे होंगे आपने, अगर आप उस पर वर्क कर रहे हैं और आप बीच में से हट जाते हैं, जैसे आप उसे यूज नहीं कर रहे, तो उसमें कुछ सेकंड तक, जैसे 60 सेकंड हो गया या 120 सेकंड हो गया, उतने टाइम तक वो शो कराता है कि अगर आप उसे लॉग इन रखना है या अपने आप फिर वो लॉग आउट हो जाता है। ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जब कई सारे कंप्यूटर किसी नेटवर्क के माध्यम से आपस में इंटरकनेक्ट होकर एक दूसरे से टास्क शेयरिंग करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कई रियल टाइम एप्लीकेशन और मल्टी यूजर की सेवा के लिए कई सेंट्रल प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। जैसे ये कौन से हो गए, ये हो गए नोड। नोड जैसे मान लो आपने एक सीपीयू से कई सिस्टम चलाते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक एग्जाम्पल है, जिसमें क्लाइंट होता है, और जैसे मान लो 4-5 क्लाइंट हैं और एक सर्वर होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक तरह का एक सर्वर होता है जो दूसरे क्लाइंट्स कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। ये काफ़ी कॉस्टली होता है क्योंकि ये सारा का सारा सर्वर पे डिपेंड होता है, यानी कि नेटवर्किंग पे। नेक्स्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इन ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू का रिस्पॉन्स टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार के ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम में काम करते हैं, अर्थात इनपुट को प्रोसेस करने और प्रक्रिया देने में लगने वाला आवश्यक समय बहुत
कम होता है। इस समय अंतराल को प्रक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग तब किया जाता था जब समय की महत्वता बहुत अधिक हो। उदाहरण के लिए मिसाइल सिस्टम, अब आप मिसाइल सिस्टम को आपको लॉन्च करना है, तो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का ये एग्जांपल है। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, आप कौन कौन से आपने यूज किए। जैसे फर्स्ट इज डॉस। डॉस क्या होता है? डॉस डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, GUI एंड CUI। अब GUI क्या होता है और CUI क्या होता है? GUI होता है आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CUI होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसमें हम या कमांड यूजर इंटरफेस बोल सकते हैं, जिसमें हम कमांड के थ्रू वर्क करते हैं। अगर हम बात करें कि DOS, DOS कमांड यूजर इंटरफेस है जो कमांड के थ्रू चलता था, तो इसे चलाना थोड़ा टफ होता है। लेकिन अगर हम बात करें विंडोज की, जो आज की डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे विंडोज 10 है, विंडोज 7 है, ये GUI है यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसको चलाना इजी है, यूजर इसे आसानी से समझ सकता है, ये एक फ्रेंडली है, यूजर फ्रेंडली बोल सकते हैं इसे, यूजर फ्रेंडली, आसानी से आप उसे चला सकते हैं, उसे चलाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम बात करें डॉस की, जो पहले चलते थे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको चलाने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसे चलाने के लिए आपको की याद करना जरूरी है, यानी कि कमांड याद करना जरूरी है। नेक्स्ट इज विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, ये सबसे ज्यादा यूज में आता है। आप कहीं भी देखेंगे आपको विंडो मिलेगी, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 8.1, विंडो XP पहले चलती थी, अब ज़्यादा यूज में नहीं है। अब विंडो 11 भी आ चुकी है, जो आपको मार्केट में मिल जाएंगी, जो भी आप लैपटॉप परचेस करने आएंगे या डेस्कटॉप लेंगे, उसमें विंडो 10, विंडो 11 आसानी से मिल जाती हैं। नेक्स्ट इज लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम बात करें लाइनक्स की शुरुआत 1991 में लाइनस टॉरवाल्ड्स द्वारा बनाया गया था। लाइनक्स को किसने बनाया था? लाइनस टॉरवाल्ड्स ने। लाइनक्स ओपन सोर्स कोड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। ओपन सोर्स मतलब होता है कि इसकी कोडिंग आसानी से आपको मिल सकती है, आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज उबंतु ऑपरेटिंग सिस्टम। CCC के अंदर उबंतु के काफी क्वेश्चंस आते हैं, क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस ही उबंतु कर दिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम और लिब्रे ऑफिस वगैरह, तो उबंतु की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। उबंतु एक पूर्ण लाइनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह किसी व्यक्ति, समुदाय एवं प्रोफेशनल प्रयोग हेतु मुफ्त में उपलब्ध है, यानी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आसानी से इसे मार्केट में क्या, आप ऑनलाइन भी अगर देखेंगे, आप उसमें उसका लिंक डालेंगे उबंतु का, तो आसानी से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक तो आप लोगों को पता होगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एप्पल के जितने भी लैपटॉप वगैरह होते हैं, पीसी होते हैं, उसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट। अब मोबाइल वगैरह आप यूज करते हैं या टैबलेट यूज करते हैं, उसमें भी OS होता है, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बात करते हैं एंड्रॉयड OS की। एंड्रॉयड OS होता है आपका, जैसे आप ओप्पो का या वीवो का कोई भी मोबाइल वगैरह खरीदते हैं, उसमें ज़्यादातर एंड्रॉयड जो मोबाइल होते हैं उसमें एंड्रॉयड OS होता है। अब सिस्टम यानी कि सिस्टम को चलाने के लिए तो आपको विंडोज़ की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो OS की ज़रूरत पड़ती है, अब इसमें मोबाइल को चलाने के लिए भी या टैबलेट को चलाने के लिए भी आपको एंड्रॉयड OS की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आईफोन आइडिया लग गया होगा आपको, आईफोन जो होती है, आईफोन एप्पल के जितने भी होते हैं आईफोन के, उसमें iOS डलता है, यानी कि आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। नेक्स्ट इज ब्लैकबेरी OS। जितने भी ब्लैकबेरी कंपनी के जो भी आपके मोबाइल हैं, उसमें ब्लैकबेरी OS इंस्टॉल होता है। अब बात करते हैं हम विंडो OS फॉर मोबाइल्स। नोकिया का एक मोबाइल आया था जिसको विंडोज OS है उसमें,
यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बिल्कुल विंडोज की तरह ही वर्क करता है, मोबाइल से आप ऑपरेट कर सकते हो आसानी से, कोई समस्या उसमें नहीं होती। अगर हम बात करें तो एंड्रॉयड ओएस, आईफोन, ब्लैकबेरी, विंडोज, ये सभी आप मोबाइल में आसानी से चला सकते हैं। यानी कि अगर आपको ओप्पो कंपनी के या वीवो कंपनी के अगर आप सेट लेके आएंगे तो उसमें एंड्रॉयड मिल जाएगा, अगर आप एप्पल के सेट लेके आएंगे तो उसमें आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, अगर हम ब्लैकबेरी के लेके आएंगे तो ब्लैकबेरी का ओएस मिलेगा, और जितने भी विंडोज मोबाइल होते हैं उसमें विंडोज ओएस आपको मिलेगा। नेक्स्ट इज यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप। अब देखिए यूजर इंटरफेस यानी कि आप यूजर, आपके सामने पीसी है यानी कि डेस्कटॉप या लैपटॉप कुछ भी है, तो आप कैसे उसे चलाएंगे, क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्टार्ट मेनू की। स्टार्ट मेनू क्या होता है? स्टार्ट मेनू पे जाने के लिए आपको विंडोज की होती है, जो कीबोर्ड में विंडोज की को आप दबा सकते हैं, अगर लैपटॉप है तो उसमें भी विंडो की होती है, तो आप उसे प्रेस करेंगे तो आपको एक स्टार्ट मेनू खुल के आएगा जिसमें कई सारी चीजें होती हैं। आप किसी भी ऑप्शंस में जाना चाहेंगे, मान लीजिए आपको एमएस ऑफिस ओपन करना है या फोटोशॉप ओपन करना है तो आप वहां से ही कर सकते हैं, या आप माय कंप्यूटर वगैरह जाना चाहते हैं स्टार्ट मेनू से भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं हम टास्क बार। नीचे की तरफ एक पट्टी जो नीले कलर की दिखाई देती है उसे हम बोलते हैं टास्क बार, जिसमें साइट से नोटिफिकेशन एरिया होता है, जिसमें टाइम वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, वो है टास्क बार में। आपको नीचे कई आइकन्स दिखाई दे जाते हैं नीचे की तरफ जो उससे जुड़े होते हैं, जो पिन होते हैं उनसे आप डायरेक्ट भी उन्हें ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आइकन्स एंड शॉर्टकट। डेस्कटॉप पे जो भी आपको दिखाई देते हैं आइकन्स, उन आइकन्स को आप ओपन कर सकते हैं, जो भी आपको दिखाई, जैसे माई कंप्यूटर है या फिर बी एल सी प्लेयर है या माई नेटवर्क प्लेस है, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आइकन्स होते हैं। और शॉर्टकट आइकन्स जो होते हैं वो होते हैं नीचे की तरफ एक एरो बना होता है, मतलब घुमा हुआ एक एरो होता है, वो शॉर्टकट आइकन्स का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल सेटिंग। हम इसमें बताएंगे कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज के अंदर सिंपल सेटिंग कैसे कर सकते हैं, जैसे माउस की प्रॉपर्टी चेंज करना है, आप टाइम और डेट चेंज कर सकते हैं, चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी, डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं, चेंज द स्क्रीन सेवर चेंज कर सकते हैं, टू ऐड और रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर्स, आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो या डिलीट करना हो वो आप आसानी से कर सकते हैं, एडिंग रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर, आप प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। तो अब हम बताते हैं आपको सबसे पहले यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टी। इसके लिए आपको सबसे पहले कंट्रोल पैनल पर जाना होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ विंडो आर करके कंट्रोल पैनल ओपन करता हूँ, जो भी आपको चाहिए वो कंट्रोल पैनल के थ्रू आसानी से आप ले सकते हैं। ठीक, तो कंट्रोल डाल के मैंने कंट्रोल पैनल पे ओपन कर लिया इसे। सबसे पहले हम जाएंगे माउस की प्रॉपर्टी पे। क्लियर, आपने देखा था सबसे पहले टॉपिक क्या था आपका, यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टी। तो ये आ गया आपका माउस की प्रॉपर्टी। अब इसमें माउस की प्रॉपर्टी दिखाई दे रही होगी आपको, ये बटन्स है, ये पॉइंटर है, पॉइंटर ऑप्शंस है, व्हील है, हार्डवेयर है। तो आप मान के चलिए जैसे आपको पॉइंटर ये दिखाई देता है, आप इसकी जगह मान लो दूसरा ये एरो है जो उसे आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप इसमें हैंड राइटिंग का ये करना चाहते हैं, ठीक है, और इसे ओके कर देंगे तो हैंड राइटिंग का वो बन के आ जाएगा। इसमें चेंजिंग नहीं हुआ, एक सेकंड, हमने अंदर क्लिक नहीं किया था। देखिए हम पॉइंटर पे गए, ब्राउज पे गए, और हम जैसे मान के चलिए ये पेन आपने ले लिया और इसे हमने ओपन किया, अप्लाई किया और ओके किया। अब देखिए आगे, ठीक, आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करने के लिए आपको दोबारा से माउस की प्रॉपर्टी पे जाना होगा, पॉइंटर पे जाना होगा, और या हम इसे
यूज डिफॉल्ट कर देंगे तो दोबारा से उसी अवस्था में आ जाएगा। क्लियर? यानी कि माउस की प्रॉपर्टी चेंज करना है, देन आप माउस की प्रॉपर्टी यानी कि माउस पे जाएंगे, पॉइंटर पे जाएंगे और उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देंगे। कोई भी ब्राउज करके कोई भी आइकन्स ले सकते हैं, इसमें कई सारे आइकन्स हैं, ठीक। और जिसको आपको लेना है उसको आप क्लिक करके, और जैसे ये ले लिया आपने और ओपन किया और अप्लाई कर दिया, इस टाइप से बन के आ जाए। अगर आपको नहीं चाहिए तो कैंसिल कर देंगे। यूज डिफॉल्ट, अप्लाई एंड ओके। नेक्स्ट है आपका, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका चेंजिंग सिस्टम टाइम एंड डेट, सिस्टम की टाइम और डेट कैसे चेंज करने। तो हम यहां जाके जैसे अब आप टाइम देख सकते हैं 10:41 हो रहे हैं, 31:01। तो आपको राइट क्लिक करके इसमें एडजस्ट टाइम और डेट जाना है। मान के चलिए ये टाइम और डेट आपको यहां से चेंज करना है, इसको हमने यहाँ से चेंज किया। कोई भी डेट कर सकते हैं, कोई भी टाइम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पीएम की जगह एएम करना है, तो हम देखेंगे यहाँ एएम हो चुका है। और दोबारा से आपको अगर पीएम करना है देन क्लिक एंड पीएम। क्लियर? तो टाइम और डेट चेंज करना आ गया होगा आप सभी को। नेक्स्ट इज चेंजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी। अब डिस्प्ले प्रॉपर्टी को कैसे हम चेंज करेंगे, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी के लिए आपको अब सबसे पहले ये डिस्प्ले है, इसकी प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी है। मान के चलिए आप ये ना लगा के ये फोटो लगा हुआ है, आप जानते होंगे ना, तो इसकी जगह मुझे कोई दूसरा फोटो लगाना है, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और डिस्प्ले सेटिंग पे जाऊँगा और इसकी डिस्प्ले पे आके एक सेकेंड पर्सनलाइज ये आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जगह आप चेंज करना चाहते हैं दूसरा, तो आप चेंज कर सकते हैं। यहां एक एरर है, यू नीड टू एक्टिवेट विंडो बिफोर यू कैन पर्सनलाइज योर पीसी। यहां मुझे सबसे पहले इसको चेंज करना होगा, यानी कि अपडेट करनी होगी विंडो, तो ये चेंज नहीं हो पाएगा। हम डायरेक्ट ही कोई इमेज लगा सकते हैं, जैसे मान के चलिए ये वीडियो का हमने बनाया है, आप इसे सेट एज बैकग्राउंड लगा सकते हैं, तो आप देखेंगे कि ये इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है और हम ये लगा चुके हैं। क्लियर? अगर हम बात करें तो ये चेंज हो चुका है यहां से। नेक्स्ट इज टू चेंज द स्किन सेवर। सेम इसी तरह हम स्किन सेवर भी लगा सकते हैं। स्किन सेवर क्या होता है, आप स्किन सेवर में कुछ टाइम तक, जैसे मान लीजिए 1 मिनट के बाद आप चाहें कि उसमें कुछ बन के आ जाए, स्किन सेवर लग जाए, तो वो भी लग जाएगा। स्किन सेवर लगाना बहुत इजी होता है।
विंडोज 7 में लगाना काफ़ी इजी है इसमें। इसमें एक्चुअली विंडो अपडेट के लिए मांग रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शंस नहीं आएगा। देखिए यहाँ एक्टिवेट विंडो नाउ कर रहा है, इसलिए स्क्रीन सेवर का ऑप्शंस नहीं आएगा। विंडो 7 में काफ़ी इजी है, उसमें आसानी से आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू ऐड और रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर। ऐड और रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर्स यानी कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना है या डिलीट करना है, तो आपको वही कंट्रोल पैनल पे जाना होगा सबसे पहले। तो हम यहाँ कंट्रोल पैनल खुला हुआ है, तो हम डायरेक्ट यहीं जा सकते हैं। अब आप देखेंगे इसमें ऐड और रिमूव प्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम एंड फीचर में हम जाएंगे, तो यहाँ से हम मैं दोबारा जाता हूँ, आपने देखा नहीं शायद। देखिए कंट्रोल पैनल ओपन कीजिए, उसके बाद प्रोग्राम एंड फीचर पे हम जा सकते हैं, या हमें कोई भी अनइंस्टॉल करना है जैसे बीएलसी प्लेयर करना है, तो हम क्लिक करके यहाँ अनइंस्टॉल कर देंगे तो बीएलसी प्लेयर अनइंस्टॉल हो जाएगा। क्लियर आपको? यानी कि जो भी आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वो आप प्रोग्राम एंड फीचर में देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है एडिंग रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर, इसके लिए भी आपको कंट्रोल पैनल में ही जाना होगा। यहाँ प्रिंटर का एक ऑप्शंस दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए डिवाइसेस हैं प्रिंटर, यहाँ हम इसे ऐड अ डिवाइस या ऐड अ प्रिंटर ऐड करना हो आप आसानी से यहाँ से ऐड कर सकते हैं, और इसके लिए प्रिंटर होना ज़रूरी है। आप उसमें डेटा क्यूब लिस्ट में लगा सकते हो, प्रिंटर को ऑन कर देंगे और इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे। अगर मैं दिखाऊँ आपको तो हमारा कैनन MF4800 ये एक प्रिंटर है जो हमने इंस्टॉल किया था। इसमें आप भी इसी तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, यहाँ ऐड अ प्रिंटर और फिर आप डेटा केबल लैपटॉप या पीसी जो भी आपका डेस्कटॉप उस पर आप कनेक्ट कर दीजिए और उसके बाद उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दीजिए। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। नेक्स्ट इज फाइल एक्सटेंशन। देखो फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, जब भी हम कोई भी फाइल सेव करते हैं तो उस फाइल का लास्ट में एक्सटेंशन शो होता है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट फाइल है, इसमें फर्स्ट एक्सटेंशन दिया हुआ है डॉट टी एक्स टी। टी एक्स टी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स का एक्सटेंशन होता है, जिसमें नोटपैड की फाइल, जैसे आपने नोटपैड पर काम किया तो नोटपैड की जो फाइल है उसकी फाइल अगर आप सेव करेंगे तो वो डॉट टी एक्स टी वाले फॉर्मेट में चली जाएगी। नेक्स्ट इज डॉट आर टी एफ। आर टी एफ मीन्स होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ये जो फाइल होती है ये वर्डपैड की फाइल होती है। बाय डिफॉल्ट जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो आपके पास नोटपैड, एमएस पेंट और वर्डपैड ये इंस्टॉल रहता है, बाकी एमएस ऑफिस वगैरह है, पेज मेकर, फोटोशॉप, ये आपको इंस्टॉल करते हैं, आपको ये इंस्टॉल करना पड़ता है। बट अगर हम बात करें नोटपैड यानी कि डॉट टी एक्स टी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, जो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल रहता है, विंडो के साथ ही आता है। डॉट आर टी एफ रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये भी विंडो के साथ आता है, जिसे हम वर्ड पैड बोलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं डॉट एच टी एम एल। एच टी एम एल होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो भी वेब पेज होते हैं, जितने भी वेब पेज, जैसे वेबसाइट का एक पेज यानी कि वेब पेज जो भी बनते हैं वो डॉट एच टी एम एल से बनते हैं, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से। नेक्स्ट इज बी एम पी। डॉट बी एम पी होता है आपका बिट मैप ग्राफिक्स। जैसे आप एम एस पेंट की जो फाइल होगी डॉट बी एम पी में सेव करते हैं, बाई डिफॉल्ट डॉट बी एम पी में चले जाते हो। नेक्स्ट इज एक तरह से इमेजेस है डॉट बी एम पी। अब हम बात करते हैं डॉट जे पी जी या जे पी ई जी। जे पी ई जी ये भी ग्राफिक्स है आपका। इसमें जो भी हम फोटोग्राफर फोटो खींचता है वो आप जे पी जी में देख सकते हैं, वो जे पी जी फॉर्मेट में सेव होते हैं। नेक्स्ट इज डब्ल्यू ए बी।
WAV एक ऑडियो फाइल होती है, जैसे कैमरा वगैरह की जो फाइल होती है, पीसी की जो भी आप इंस्टॉल करेंगे, जैसे पीसी में आप सिस्टम को रिकॉर्ड करते हैं, तो वो भी WAV में चला जाता है। नेक्सस AVI फॉर्मेट, AVI ऑडियो और वीडियो दोनों फॉर्मेट में होता है। जी कैमरे वगैरह की फाइल होती हैं, जैसे कैमरे से आप रिकॉर्डिंग करेंगे वीडियो कैमरे से, वो AVI फॉर्मेट में चले जाते हैं। नेक्सस जिप, यानी कि ZIP, जिप कंप्रेस्ड आर्चिव, एक तरह से एक फोल्डर टाइप है ये, जिसमें हम फाइल्स को डाल के इसे हमें जिप कर देते हैं, यानी कि ऊपर से एक तरह से चैन लगा देते हैं, तो फाइल जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो इधर उधर नहीं जाते। जैसे आपको किसी को मेल करना है या फिर कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो एक एक करके ना होके एक जिप फोल्डर में चले जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज .xls-docx-ls-x। देखिए एक्सएलएस होता है आपका एक्सेल का फॉर्मेट होता है, एक्सेल का एक्सटेंशन, लेकिन इसमें दो दिए हुए हैं, .xls एंड xls-x। अगर हम बात करें एमएस ऑफिस 2003 की, 2003 में जो एक्सेल होता है उसको हम अगर सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन बनेगा .xls, यानी कि ये वाला, ये 2003 का एमएस ऑफिस 2003 का एक्सेल जो है उसमें। और अगर हम बात करते हैं एमएस ऑफिस 2007 या 10 या 13, उसमें ये वाला फॉर्मेट बन के आता है। क्लियर। यानी कि आप एक्सटेंशन से आइडिया लगा सकते हैं कि ये एमएस ऑफिस कौन सा है। क्लियर। नेक्स्ट इज .doc। डीओसी होता है आपका डॉक्यूमेंट्स फाइल, यानी कि एमएस वर्ड। एमएस वर्ड की फाइल को अगर आप सेव करेंगे तो .doc में जाएगा 2003 का, और .docx जाएगा 2007 से अब, 2007, 10, 13 जो भी आप सेव करेंगे वो .docx में आएगा। नेक्स्ट इज .ppt, यानी कि पावर पॉइंट, और .pptx पावर पॉइंट का है लेकिन 2007 से अब। और .ppt किसका एक्सटेंशन है? एमएस ऑफिस 2003। क्लियर। नेक्स्ट इज, ये थोड़ा टफ है, आप अच्छी तरीके से समझिएगा, .csv। csv फाइलों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओपन ऑफिस कॉल्क या गूगल स्प्रेडशीट जैसे किसी भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि .csv क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल, अंडरस्टैंड। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो या कैल्क हो, कैल्क किसमें आता है आपका? उबंटू में, जो लिब्रे ऑफिस होता है उसमें एक्सेल की जगह पे क्या यूज होता है? कैल्क यूज होता है। और गूगल, जैसे आप गूगल के लैपटॉप वगैरह हैं या गूगल का टैबलेट है, उसमें गूगल स्प्रेडशीट यूज होती है। वो अगर हम बात करें तो तीनों को हम यूज कर सकते हैं उसकी फाइल को CSP में। नेक्स्ट इज .pdf। PDF मीन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट फाइल। ये एक तरह का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स को आप देख सकते हैं लेकिन उसमें से आप एडिट नहीं कर सकते PDF को। तो ये काफ़ी फायदेमंद है। जैसे मान लो आपने रिज्यूम किसी को सेंड किया, अगर आप PDF में सेंड करते हैं तो कोई भी उसमें एडिटिंग करके कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकता है, लेकिन नॉर्मल आप एमएस वर्ड में भेजेंगे तो कोई भी गलती करके और कह देगा कि आपने ऐसा क्यों भेजा है मेरे पास। ठीक, इस टाइप से करेक्शन में प्रॉब्लम होती है, लोग एडिटिंग कर देते हैं बट इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज .ods। ODS फाइल एक स्प्रेडशीट है जो लिब्रे ऑफिस कैल्क द्वारा बनाया गया है। यह सेलों में डेटा संग्रहित करता है और जो रो और कॉलमों में व्यवस्थित होते हैं। ODS किसका है? स्प्रेडशीट का। अगर हम बात करते हैं OTS, .ots, तो OTS टेम्पलेट का उपयोग स्प्रेडशीट को टेम्पलेट फॉर्मेट में सेव करने के लिए। अगर मान लो आप टेम्पलेट में सेव करते हैं स्प्रेडशीट जो लिब्रे ऑफिस कैल्क का है, तो वो किस में जाएगा? ओटीएस में, और अदरवाइज किस में जाएगा? ODS में। अब हम बात करते हैं .odp। ODP पावर पॉइंट, जैसे हम पावर पॉइंट यूज करते हैं ऐसे ही ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, यानी कि इम्प्रेस सॉफ्टवेयर जो होता है ओपन ऑफिस, यानी कि लिब्रे ऑफिस का, जो जैसे हम पावर पॉइंट एमएस ऑफिस में करते हैं, इसी तरीके से लिब्रे ऑफिस में इम्प्रेस सॉफ्टवेयर होता है जो पावर पॉइंट जैसा वर्क करता है।
यानी कि ODF की फाइल अगर हम सेव करेंगे तो जो इसका एक्सटेंशन है वो किसका होगा, इम्प्रेस सॉफ्टवेयर का, नेक्सस डॉट OTP। लेकिन OTP इम्प्रेस सॉफ्टवेयर का होगा, लेकिन वो किसका होगा, आपका OTP फाइल में आमतौर पर ग्राफिक्स, स्प्रेडशीट, टेक्स्ट, स्लाइड्स और स्टाइल के साथ बनाया गया एक अन्य प्रेजेंटेशन होता है। ये एक तरह का क्या है, प्रेजेंटेशन है जो OTS में होगा। अब हम बात करते हैं, वो सॉरी डॉट OTP में होगा, ये एक तरह का प्रेजेंटेशन होगा जो टेम्पलेट वाला है। जैसे ODS में क्या था, ODS में आपका था डॉट ODS में आपका स्प्रेडशीट का था, स्प्रेडशीट का, लेकिन टेम्पलेट का कौन सा यूज होता है, डॉट OTS। सेम इसी तरह ODP होता है आपका प्रेजेंटेशन का, यानी कि इम्प्रेस सॉफ्टवेयर का, लेकिन OTP कौन सा होगा, टेम्पलेट प्रेजेंटेशन का। अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं डॉट ODT की। ODT फाइल मुख्य फाइल को उसी तरह से डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए उपयोग किया जाता है जैसे डॉट DOCX होता है। कहने का मतलब, जैसे MS वर्ड आप यूज करते हैं, MS वर्ड की फाइल को हम सेव करते हैं तो वो किस में यूज होता है, डॉट DOC में। लेकिन अगर हम लिब्रे ऑफिस में बात करें, लिब्रे ऑफिस का क्या होता है, राइटर होता है। लिब्रे ऑफिस में राइटर होता है जो MS वर्ड की तरह काम करता है, यानी कि राइटर की फाइल को अगर आपको सेव करना है तो किस में करेंगे, हम डॉट ODT में, डॉट ODT में। लेकिन अगर हम बात करते हैं, इसमें एक करेक्शन है, इसी में हम सही कर देते हैं, इसको OTT बोलेंगे। क्लियर। यानी कि ODT, ODT आपका किसका है, राइटर का, यानी कि लिब्रे ऑफिस के राइटर का। लेकिन OTT किसका है, लिब्रे ऑफिस के राइटर का है, लेकिन टेम्पलेट वाला फॉर्मेट है। किसका है, टेम्पलेट वाला। ओटीटी फाइल एक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट होता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज लिब्रे ऑफिस एक्सटेंशन OXT। OXT फाइल एक्सटेंशन किसका होता है, एक अपाचे ओपन फाइल एक्सटेंशन फाइल है। इसका उपयोग ओपन फाइल ऑफिस एप्लीकेशन के कई और फीचर को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे राइटर, वर्ड प्रोसेसर, कॉल्क, स्प्रेडशीट प्रोग्राम और इम्प्रेस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का होता है। ये लिब्रे ऑफिस का एक्सटेंशन होता है। कहने का मतलब, लिब्रे ऑफिस में और भी जो चीजें यूज में आती हैं उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट OXT। अब हम बात करते हैं डॉट ODB, यानी कि ODF डेटाबेस। जैसे हम एक्सेस, MS एक्सेस होता है, सेम इसी तरह इसका जो डेटाबेस है उसके लिए अगर एक्सटेंशन कौन सा होगा, डॉट ODB। अगर हम बात करें आपके सेकंड चैप्टर की, तो सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, जो सेकंड चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर हम पूरा निचोड़ देखते हैं चैप्टर का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को चलाने लायक जिस सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी कि जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ये वीडियो काफी बड़ी हो गई है, कैसी लगी ये वीडियो सबसे पहले ये बताइए, और कमेंट में कुछ भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर करके बता दी जाएंगी। और इस वीडियो के साथ साथ हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम क्विज भी रखेंगे, जितने भी SSC के क्वेश्चन है मेरे पास, SSC के 1000 क्वेश्चन है, जो मैं आपको अगर वीडियो के थ्रू ही बताऊंगा, उससे आप SSC में A ग्रेड 100% लेके आ सकते हैं, कोई भी उसमें कमी नहीं है, आप ए ग्रेड आएगा ही आएगा आपका। आप हमारी केवल 9 वीडियो जो SSC की हैं वो देखिए, प्लस जो हमारे क्वेश्चंस होंगे क्विज कॉम्पिटिशन के, क्विज क्वेश्चन है जो, उसको आप देखिए, आप 100% पास होंगे SSC में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।